हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल के ऊपर एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप NEET 2021 के लिए आवेदन करने वाले हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए अच्छी अपडेट मैं लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, NEET 2021 एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट जो है उसके बारे में डॉक्टर विनीत जोशी ने क्या बोला है, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, विनीत जोशी ने ये बता दिया है कि आपका एग्ज़ाम जो है क्यों डिले हो रहा है और क्यों हम जो है एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं कर रहे हैं और एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूं। सबसे पहले इन्होंने इंटरव्यू में क्या बोला है, NEET 2021 एग्ज़ाम डेट लाइकली टू बी अनाउंस्ड बाय फरवरी एंड सेज NTA DG। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं कि आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो फरवरी के एंड तक जो है जारी कर दी जाएगी, ये बोला है। साथ में देखिए फ्रेंड्स, एज कैंडिडेट आर एगरली वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ एग्जाम डेट्स फॉर द प्रेस्टिजियस मेडिकल एंट्रांस एग्जामिनेशन, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट एंड द पॉसिबल रोल आउट ऑफ ए सेकेंड अटैम्प्ट, NT डायरेक्टर जनरल विनीत जोशी ऑन ट्यूजडे सेड द एग्जाम डेट विल बी अनाउंस्ड बाई फरवरी एंड और अर्ली मार्च। साथ में उन्होंने बोला, स्पीकिंग टू इंडिया टीवी डिजिटल ऑन डिले इन डिक्लेयरिंग द एग्जाम डेट्स फॉर NEET 2021, जोशी सेड दैट देयर आर ए टोटल ऑफ 28 बोर्ड, 2 मिनिस्टर एंड NTA इन्वॉल्व्ड इन ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस, सो द प्रोसेस इज टेकिंग टाइम। उन्होंने बोला है कि 28 बोर्ड, 2 मंत्रालय और NTA जो है इन्वॉल्व है इन सभी चीज़ों को जो है, जैसे कि आपकी एग्ज़ाम डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म है, अटैम्प्ट्स हैं, इनके बारे में चर्चा चल रही है और ये सभी मिलकर ही इसके बारे में कोई ना कोई फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं। तो यहाँ पर 28 बोर्ड और 2 मंत्रालय और NTA की वजह से ये टाइम लग रहा है दोस्तों, क्योंकि सभी के विचार एक सहमत होना ज़रूरी है दोस्तों। एक विचार जब सभी के होंगे और जब वो है फाइनल डिसीजन पर पहुँचेंगे, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है दोस्तों। ये जो है टाइम आपका फरवरी के एंड तक समाप्त हो जाएगा या फिर अर्ली मार्च, मतलब कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक आपकी एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो दोस्तों, बहुत जल्द ही आपकी एग्ज़ाम डेट आपको मिलने वाली है, 25 फरवरी हो चुका है। दोस्तों, अगर आप नीट यूजी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आप लेके आया है, अनअकैडमी कॉम्बैट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये जो है इंडिया का लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है नीट यूजी के लिए। आप इसको लाइव देकर के अपने ही बेस्ट कंप्यूटर के साथ कम्पीट कर सकते हो और आपको जो है यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक भी जानने का मौका मिल जाएगा दोस्तों। आइडेंटिफाई एंड इम्प्रूव यूअर वीक एरियाज थ्रू डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन, मतलब जैसे ही आपका ये टेस्ट खत्म होगा उसके बाद आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप यहाँ पर जो है ये टेस्ट देकर के 1.5 करोड़ की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। ये कॉम्बैट जो है 28 फरवरी को होगा सुबह 11 बजे से, लेकिन फ्रेंड्स, इसके अंदर एनरोल करने के लिए आपको एक कोड यूज करना मैंडेटरी है, एग्जाम इन्फो। इसके बाद मैं बात करूं दोस्तों, सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। 28 फरवरी को सुबह 11 बजे से ये शुरू होगा, 60 मिनट का आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा दोस्तों। टॉप 3 विनर्स को यहाँ पर 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर, और बाकी भी 150 जो विनर्स होंगे उनको भी एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा। कोड यूज करना है आपको दोस्तों, एग्जाम इन्फो। बात करूँ मैं विनर्स की, तो 1 से 3 जो टॉप रैंक होंगे उनको कम्प्लीमेंट्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, जो भी वो लेना चाहें। 75% ऑफ मिलेगा अगर आपका रैंक आता है 4 से 10, रैंक आता है 11 से 50 तो 50% ऑफ, और 25% ऑफ मिल जाएगा अगर आपका रैंक आता है 51 से 150 के इन बिटवीन। आपकी चॉइस होगी, जो भी प्लस सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहो वहाँ पर जो है आपको ये ऑफ दिया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं टेस्ट की बात करूं तो 60 मिनट के अंदर आपको 28 क्वेश्चन जो है करने होंगे। ये अलग अलग क्लासेज के लिए अलग अलग होगा, जैसे कि +1, +2 और +3 क्लासेज के लिए अलग अलग आप ये दे पाओगे। 4 सेक्शन है इसके अंदर दोस्तों, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। रिलेटिव स्कोरिंग का आप पता कर पाओगे यहाँ पर कि आपके कंपिटिटर के कंपेयर में आपका कितना स्कोर आ रहा है। और दोस्तों, ये एवरी संडे को कनेक्ट होता है, तो आप जो है एवरी संडे को ये कॉम्बैट जरूर दिया करें दोस्तों, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। एनरोल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाओगे एनरोल करना चाहोगे तो वो एक कोड मांगेगा, वहाँ पर आपको एग्जाम इन्फो कोड डाल देना है जिससे कि आप इसमें एनरोल कर जाओ। या तो अब 3 दिन बचे हैं इस महीने के और उसका एक वीक और लगा के चले तो 10 दिन के अंदर अंदर दोस्तों आपकी एग्जाम डेट आपके सामने होगी, जो कि एक्सपेक्टेड है कि मिड जून के बाद ही होने वाला है। मिड जून के बाद ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, और ये भी कंफर्म है कि 2 अटैम्प्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बस चर्चा यही है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या ऑफलाइन हो। दोस्तों, मेरा तो मानना है कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होना चाहिए, चाहे 1 अटैम्प्ट ही क्यों ना मिल जाए। आपका क्या मानना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, जो ये आपकी एग्ज़ाम डेट है बहुत जल्द आने वाली है, घबराए नहीं, अपनी तैयारी शुरू कर दें अभी से दोस्तों, क्योंकि अभी भी काफ़ी समय बचा है। अगर आप अभी से भी शुरुआत करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप NEET 2021 के अंदर ले पाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।